नमस्ते दोस्तों, ये ग्रुप थ्योरी में हमारा लेक्चर नंबर 6 है। जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में कहा था कि आज हम लोग ग्रुपवाइड, सेमी ग्रुप और मोनोइड का एक तरह से रिवीजन करेंगे और एग्जांपल भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है। हम लोगों ने पढ़ी थी क्लोजर प्रॉपर्टी। मान लीजिए हमारे पास कोई सेट है G, जिसके साथ एक ऑपरेशन डिफाइन कर दिया हमने स्टार। अब इसी सेट G के कोई भी दो एलिमेंट आप लीजिए, फॉर ऑल A कॉमा B बिलोंगिंग टू G, और इन दो एलिमेंट को आप ऑपरेट करिए गिवन ऑपरेशन स्टार के साथ, तो उससे जो एलिमेंट आएगा C, अगर वो भी इसी सेट का मेंबर हो, यानी कि सी हमारा क्या हो, इन दोनों को ऑपरेट करने के बाद जो एलिमेंट मिले वो इसी सेट का क्या हो, एलिमेंट हो, और साथ ही साथ ये क्या हो हमारा यूनिक, यानी कि ये सी हमारा क्या हो, यूनिक हो, तो ये हमारी क्या कहलाती है, क्लोजर प्रॉपर्टी। दूसरा हमने देखा था एसोसिएटिविटी, एसोसिएटिव। इसमें क्या होता है कि आप कोई भी तीन एलिमेंट लेते हैं, यानी कि फॉर ऑल ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंगिंग टू जी, ए को बी के साथ ऑपरेट करिए, उससे जो नंबर आए उसको आप सी के साथ करिए, या बी को सी के साथ पहले ऑपरेट करिए, उससे जो एलिमेंट आए उसको ए के साथ ऑपरेट करिए। अगर ये दोनों सेम होते हैं तो हम कहते हैं कि एसोसिएटिविटी होल्ड कर रही है। तीसरा हमने भी ये देखा था एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मतलब कि आपका एक कोई एक ऐसा एलिमेंट सेट में G में एग्जिस्ट करेगा, मान लीजिए वो एलिमेंट क्या होगा E, और ये कोई ऐसा वैसा नॉर्मल एलिमेंट नहीं है, इसके पास बहुत सारी सुपर नेचुरल पावर है। वो पावर क्या है कि कोई भी आप सेट A जी है उसका कोई भी एलिमेंट आप लीजिए और इस एलिमेंट ई के साथ ऑपरेट कराइए, तो इस एलिमेंट के पास ऐसी ताकत है कि ये वही एलिमेंट ए को दे देता है वापस। ऐसा कोई और करने की किसी के अंदर इतना टैलेंट नहीं जितना हमारे इस आइडेंटिटी एलिमेंट के अंदर टैलेंट है, यानी कि सेट में ऐसा एक अनोखा एलिमेंट है इसके साथ आप कोई भी एलिमेंट को ऑपरेट करिए वो एलिमेंट हमें मिल जाता है, और ये हमारा कम्यूटेटिव भी होता है, यानी कि ए को ई के साथ करे या E को A के साथ करें, बात बराबर है। तो ये तीन चीजें हम लोगों ने पढ़ी कि क्लोजर, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। फिर मैंने आपको बताया था कि अगर हमारा सिर्फ और सिर्फ क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करे तो हमारा कहलाएगा ग्रुपवाइड। क्या कहलाएगा, ग्रुपवाइड। अगर हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी भी होल्ड करे साथ ही साथ हमारा एसोसिएटिविटी को भी होल्ड करे तो हम कहते हैं कि ये हमारा कहलाएगा सेमी ग्रुप, सेमी ग्रुप। यानी कि ये हमारा जो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है ये हमारा ग्रुपॉइड कब है, जब सिर्फ और सिर्फ क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही हो, और ये हमारा सेमी ग्रुप कब कहलाएगा, जब क्लोजर प्रॉपर्टी और एसोसिएटिविटी दोनों होल्ड करे। अगर आपका क्लोजर प्रॉपर्टी भी होल्ड करे, एसोसिएटिव भी होल्ड करे और आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट कर जाए तो हम कहते हैं कि हमारा क्या कहलाएगा, मोनोइड। यानी कि तब हमारा एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा, मोनोइड। मोनोइड होने के लिए उसको क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी तीनों होल्ड करनी पड़ेगी, तब वो कहलाएगा मोनोइड। तो ये हम लोगों का एक तरह से क्या हुआ, रिवीजन। अब बच्चों हम लोग आज क्या करने वाले हैं कि कुछ एग्जाम्पल करते हैं जिसमें हम लोग देखेंगे कि हमारी एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर मोनोइड है कि नहीं। तो लेते हैं पहला एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर वन। एक S हमारा सेट है और जिसमें कलेक्शन है 2x2 मैट्रिसेस का, और इनकी एंट्रीज क्या है, सेम, यानी कि A A A A, और A हमारा क्या है, रियल नंबर। यानी कि सेट हमारा 2x2 के मैट्रिक्स का कलेक्शन है, और हमने एक ऑपरेशन डिफाइन किया एंड स्टार, हमने एक ऑपरेशन डिफाइन किया जो कि क्या है,
ordinary matrix multiplication, and star is defined as ordinary matrix multiplication. ये हमने एक ऑपरेशन डिफाइन किया। अब हम लोगों को ये चेक करना है कि ये सेट इस ऑपरेशन के साथ हमारा कौन सा एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर होगा, ग्रुपॉइड, सेमी ग्रुप, मोनोइड, ये सब। तो सबसे पहले हम लोग क्या चेक करेंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो लिखते हैं हम लोग क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए बच्चों, जो भी सेट है उसके आप कोई दो एलिमेंट लीजिए, जैसे हम लोग यहां पे लेते हैं, तो कोई दो एलिमेंट, यानी कि इसके आप सेट एस से आप एलिमेंट ले रहे हो, तो एलिमेंट क्या है, 2x2 की मैट्रिक्सेस हैं, तो आप एक मैट्रिक्स लेते हैं लेट कैपिटल ए, ये एक 2x2 की मैट्रिक्स है जिसमें एंट्री सारी सेम है और सारी क्या है, रियल नंबर ए ए ए। एक और लेते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग दो एलिमेंट ले रहे हैं सेट एस के, और एलिमेंट किस फॉर्म में होंगे, 2x2 की मैट्रिक्स बी बी बी, क्योंकि क्या है, और इसकी खूबी क्या है कि सारे एंट्रीज सेम है, यानी कि सब जगह ए ए, यहां पे देखिए सब जगह बी बी बी, ये कहां से बिलोंग कर रहे हैं, सेट एस से, और ये ए और बी क्या है हमारे, रियल नंबर। अब क्या करिए, इनको ऑपरेट करिए दो इन दो एलिमेंट को, ए स्टार बी, ए स्टार बी मतलब बच्चों हम क्या कर रहे हैं, ऑर्डिनरी मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन हम लोग जानते हैं वही करने वाले हैं, यानी कि ये हमारा मैट्रिक्स ए, ये हमारी मैट्रिक्स बी। अब हम लोगों को मल्टीप्लाई कराना आता है मैट्रिक्स को, फर्स्ट रो को पूरी पूरी फर्स्ट कॉलम से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो जैसे ए बी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर ए बी एड, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो ए बी प्लस ए बी, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ए बी प्लस ए बी, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो ए बी, फिर ये भी ए बी, और ऐड कर दीजिए तो आपको क्या मिलेगी, 2AB, 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 मतलब कि हमने सेट एस के दो एलिमेंट लिए, उनको ऑपरेट किया गिवन ऑपरेशन ऑर्डिनरी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के साथ, तो हमें क्या मिल रही है, एक 2x2 की मैट्रिक्स ही तो मिल रही है, और जिसके एंट्रीज क्या है, सारी सेम, जैसे ए ए ए वैसे यहां पे 2AB, 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 और ए और बी हमारे रियल नंबर है, तो उनको मल्टीप्लाई करोगे तो भी एक रियल नंबर है, तो ये पूरी एंट्री भी क्या हुई हमारी, रियल नंबर, ये भी रियल नंबर, ये भी रियल नंबर, ये भी रियल नंबर, तो ये बिलोंग किसमें कर रहा है, यानी कि दोनों मैट्रिक्स को हमने मल्टीप्लाई किया तो एक मैट्रिक्स मिली, और वो भी किसमें बिलोंग कर रही, एस में, तो यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई हो रही है। तो आप लिख सकते हो कि सेट एस इज क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन स्टार के साथ, के रिस्पेक्ट में हमारा सेट एस क्लोज्ड है। अब क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है, यानी कि ये क्या हो गया, ग्रुपॉइड तो हो ही गया है क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। अब चेक करते हैं एसोसिएटिविटी, एसोसिएटिव। आप बच्चों जानते हैं कि मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन होता है ये एसोसिएटिव होता ही होता है, यानी कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज ऑलवेज एसोसिएटिव, ऑलवेज क्या होता है, एसोसिएटिव होता है। अगर इसको प्रूफ भी करना है तो आप कोई भी तीन एलिमेंट यहां से ले लीजिए सेट एस के, लेट कैपिटल ए किस फॉर्म का होगा, ए ए ए ए, 2x2 मैट्रिक्स। एक और लेते हैं बी, किस फॉर्म में होगा, बी 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 बी, फिर होगा सी, किस फॉर्म में होंगे, सी सी सी, ये सारे क्या है, 2x2 के मैट्रिक्स, और किसमें बिलोंग कर रहा है, सेट एस में, क्योंकि ये ए बी सी हमारे क्या है, रियल नंबर। अब एक काम करिए,
ए को बी के साथ पहले ऑपरेट करिए, फिर उसको सी के साथ करिए, ठीक है? तो यानी कि ए ए ए, बी 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 बी, सी 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 सी। तो यानी कि ए को बी के साथ ऑपरेट करिए, मतलब क्या? पहले हम लोग मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी को मल्टीप्लाई करेंगे, उससे जो आएगा रिजल्ट उसको फिर मैट्रिक्स सी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? अभी हम लोगों ने देखा, ये आया हम लोगों का टू ए बी टू ए बी टू ए बी टू ए बी। अब मैट्रिक्स सी के साथ जो आया ना, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी को मल्टीप्लाई करके, अब इसको मैट्रिक्स सी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो बच्चों क्या आएगा? ये आएगा फोर ए बी सी फोर ए बी सी फोर ए बी सी फोर ए बी सी। तो आप देखेंगे 2x2 की मैट्रिक्स मिली है, सारी एंट्री सेम है, सारे रियल नंबर है, तो सेट एस में आ रही है, ठीक है? अब पहले काम करिए, पहले मैट्रिक्स बी और मैट्रिक्स सी को मल्टीप्लाई कराइए, फिर ए से कराइएगा आपकी। तो ये ए ए ए मैट्रिक्स बी हमारी किस फॉर्म में? बी स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल बी। मैट्रिक्स सी हमारी स्मॉल सी स्मॉल सी स्मॉल सी। सबसे पहले हम लोग मैट्रिक्स बी और मैट्रिक्स सी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। एक मिनट रुकिएगा बच्चों, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस बच्चों। तो हम लोग कहां पे थे? यहां पे। तो सबसे पहले हम लोग मैट्रिक्स बी और मैट्रिक्स सी को मल्टीप्लाई करेंगे। ये मैट्रिक्स ए को ऐसे ही रहने देते हैं, तो इसको मैट्रिक्स बी और मैट्रिक्स सी को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा टू बी सी टू बी सी टू बी सी टू बी सी। अब इसको आप मैट्रिक्स ए के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, यानी कि आप मैट्रिक्स ए और ये जो इन दोनों को प्रोडक्ट करके आई, इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे, तो क्या मिलेगा हम लोगों को? फोर ए बी सी फोर ए बी सी फोर ए बी सी फोर ए बी सी। तो बच्चों हम लोग देख रहे हैं, तो इसे क्या इंप्लाई हुआ कि आपने सबसे पहले मैट्रिक्स ए को मैट्रिक्स बी के साथ क्या किया? मल्टीप्लाई। फिर मैट्रिक्स सी के साथ किया, तो उससे जो हमारा रिजल्ट आया वो सेम है। अगर आप मैट्रिक्स बी को पहले सी के साथ फिर ए के साथ क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। तो इससे ये प्रूफ होता है कि हमारा ऑपरेशन स्टार एसोसिएटिव भी है, यानी कि स्टार इज एसोसिएटिव एसोसिएटिव इन एस। अब क्या हम लोगों को देखना है? आइडेंटिटी, कि हमारी आइडेंटिटी है अगर क्या है तो वो देखेंगे, क्या वो हमारे सेट में एग्जिस्ट कर रही वो भी देखेंगे। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी आइडेंटिटी एग्जिस्टेंस फॉर आइडेंटिटी। इसी के साथ बच्चों हम लोग ये भी देखेंगे कि अगर आपको कोई भी एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर हो और आइडेंटिटी निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, वो भी हम लोग समझते हैं। जब भी आपको आइडेंटिटी निकालनी है तो आप मान लीजिएगा कि एक आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रही है। तो जैसे मान लेते हैं कि लेट कैपिटल ई, अब आप मान रहे हैं कि आप सेट एस से आप ले रहे हो एलिमेंट, तो यानी कि सेट एस के सारे एलिमेंट क्या होंगे? 2x2 की मैट्रिक्स तो है। तो एक हमने सेट एस से मैट्रिक्स ली जिसको हम कह रहे हैं कि ये आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो ये भी क्या होगी? एक 2x2 की मैट्रिक्स, और इसके सारे एंट्रीज क्या होंगी? सेम। मान लेते हैं स्मॉल ई स्मॉल ई स्मॉल ई बी द आइडेंटिटी आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ कैपिटल एस, यानी कि क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट है कैपिटल एस का। अब हम जब कह रहे हैं कि यह आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो बच्चों इसका आप मतलब समझ रहे होंगे कि आप कोई भी सेट एस की मैट्रिक्स लीजिए, उसको आप कैपिटल ई के साथ जब ऑपरेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? सेट ए की वही मैट्रिक्स मिल जाएगी। यही ताकत होती है आइडेंटिटी एलिमेंट की। इसके अंदर इतनी बढ़िया ताकत है, इतना अच्छा टैलेंट है कि इसके साथ कोई भी एलिमेंट आप ऑपरेट करिएगा वो एलिमेंट मिल जाता है हमें। तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट की यूनिकनेस है। तो अब इसी चीज का हम लोग यूज करेंगे। हम लोगों को आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं पता, मगर ये पता है कि सेट ए हमारी मैट्रिक्स है जो कि हम लोग सेट एस से ले रहे हैं, यानी कि ए ए फॉर्म की होगी क्योंकि सेट एस से आ रही है हमारी ये मैट्रिक्स ए। आइडेंटिटी एलिमेंट हमें पता नहीं है, ये भी हमारी स्मॉल ई फॉर्म में होगी। अभी किसके इक्वल होगी? हमें मिल क्या रहा है इन दोनों को ऑपरेट करने पे? वही मिल जाता है मैट्रिक्स। तो
तो यानी कि रिजल्ट में राइट हैंड साइड में हमारी क्या है, स्मॉल ए वाली। अब इसको ऑपरेट करिए, अब इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कराइए तो क्या आएगा बच्चों, 2AE, 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 और राइट हैंड साइड में क्या है हमारी मैट्रिक्स ए, स्मॉल ए। तो आप देखेंगे ये दोनों मैट्रिक्स कब इक्वल होंगी, जब इनकी एंट्रीज इक्वल होंगी, यानी कि 2AE A के इक्वल हो, तो 2AE को क्या होना पड़ेगा, इक्वल A के, तभी ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या होंगे, इक्वल। तो A को A से कैंसिल कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, E इक्वल टू 1/2, और आप जानते हैं कि 1/2 हमारा क्या है, रियल नंबर है। तो हमें 2x2 की मैट्रिक्स मिल रही है जिसकी एंट्रीज सेम है, और वो एंट्रीज हमारी कहां से आ रही है, रियल नंबर से। तो यानी कि E हमारा क्या होगा, कैपिटल E 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, और ये क्या है, इस दी लगाइएगा, दी का बड़ा इंपॉर्टेंस है, आगे जब चल के हम लोग देखेंगे कि ये जो आइडेंटिटी होती है पूरे सेट में इकलौती होती है, इसका ऐसा कोई दूसरा और होता ही नहीं है, इज दी आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एस, क्योंकि हमारा हाफ किससे बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर से। तो इससे बच्चों क्या प्रूव हो गया कि हमारा सेट एस क्लोजर भी है ऑर्डिनरी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के साथ, एसोसिएटिव भी है, और साथ ही साथ आइडेंटिटी हमारी क्या है, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2 फॉर्म की, और वो भी एग्जिस्ट कर रही है एस में, क्योंकि 1/2 हमारा क्या है, रियल नंबर। तो ये तीनों जब प्रॉपर्टीज होती हैं तो हमारा वो क्या कहलाता है, मोनोइड। तो ये हमारा जो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है एस स्टार, ये क्या होगा, इस मोनोइड, मोनोइड भी है, जब मोनोइड हो गया तो यानी कि सेमी ग्रुप भी है और क्या है, ग्रुपोइड भी है। अगर बच्चों इसमें आप दिमाग लगाएं और देखें कि ये जो सेट एस हमने लिया, ये तो खत्म हो गया पार्ट, अब इसमें जरा थोड़ा सा सोचिए, ये जो सेट एस है इसमें जो एंट्रीज हैं ए ए ए ए फॉर्म में है, और अगर ये ए हमारा सेट ऑफ इंटीजर से आता तो क्या ये ऑर्डिनरी मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन के साथ मोनोइड होता, क्लोजर तो होगा, एसोसिएटिव भी होगा, क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन एसोसिएटिव होता है। मगर अभी बच्चों आप लोगों ने देखा कि आइडेंटिटी एलिमेंट सेट एस का, अगर सेट एस इस फॉर्म का है तो आइडेंटिटी हमारी किस फॉर्म की आ रही है, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, ठीक है। क्या ये सेट आइडेंटिटी एलिमेंट यानी कि जो 2x2 की मैट्रिक्स है, ये क्या हमारे सेट एस में आएगी, जी ये नहीं आएगी। अब आप कहेंगे क्यों नहीं आएगी, तो आप देखें कि बच्चों जो हाफ है ना, ये जो एंट्री, हम इसमें सिर्फ वही मैट्रिक्स लेंगे जिनकी एंट्रीज कहां से आएंगी, इंटीजर से, और आप देख रहे हैं कि हाफ हमारा इंटीजर नहीं होता। जब हाफ हमारा इंटीजर ही नहीं है तो सेट एस में आएगा नहीं, तो यानी कि इसकी आइडेंटिटी तो पता है कि है ये, मगर ये एग्जिस्ट नहीं कर रही जब हमारे इंट्रीज कहां से आएंगी, सेट ऑफ इंटीजर से। तो ये हमारा क्या होगा, ये मोनोइड नहीं होगा, नॉट मोनोइड। कब मोनोइड नहीं हो रहा है, जब हमारी इंट्रीज कहां से आएंगी, सेट ऑफ इंटीजर से। जब सेट ऑफ इंट्रीज हमारी इंट्रीज रियल नंबर से आ रही तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये हमारा मोनोइड हो रहा है। मगर हमने जैसे ही इसकी एंट्रीज कहां से लेना स्टार्ट कर दिया, इंटीजर से, तो ये आइडेंटिटी है मगर ये सेट एस में एग्जिस्ट नहीं करेगी, जो कि हमने देखा, क्योंकि हाफ हमारा इंटीजर नहीं होता, जबकि हाफ हमारा रियल नंबर में बिलोंग करता, इसलिए हमारी मैट्रिक्स सेट एस में आ रही थी। ये क्यों नहीं आ रही, क्योंकि हाफ हमारा इंटीजर नहीं है, इसलिए इसकी जो मैट्रिक्स बन रही है ये हमारे सेट एस में नहीं आएगी, क्योंकि इसकी एंट्रीज कहां से हम लेंगे, सेट ऑफ इंटीजर से। तो ये हमने पहला एग्जाम्पल किया। अब एक और एग्जाम्पल हम लोग करते हैं, क्योंकि बोर्ड छोटा है तो इसको रब करता हूं मैं। अब हम लोग दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। यहां पे सेट ऑफ रियल नंबर है और एक ऑपरेशन स्टार है, और ये स्टार कैसे डिफाइन है कि आप कोई भी दो रियल नंबर लीजिए, उनको कैसे ऑपरेट कर रहे हैं, उन दोनों को आप ऐड करिए, यानी कि ए को बी में ऐड करिए, फिर उन दोनों का प्रोडक्ट लीजिए, यानी कि ए बी, और उसको भी ऐड कर दीजिए।
अब ये हम लोगों को चेक करना है कि क्या ये हमारा ये मोनोइड होगा कि नहीं होगा। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग क्या चेक करेंगे, और यहां पे लिख भी देते हैं, ये ए बी कहां से आ रहा है, फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंगिंग टू रियल नंबर, यानी कि रियल नंबर से आप ले रहे हैं, और कैसे ऑपरेट कर रहे हैं, ए प्लस बी प्लस ए बी। सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे क्लोजर, क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी चेक करेंगे। सबसे पहले क्लोजर चेक करने के लिए आपको क्या चाहिए, कोई भी दो रियल नंबर लीजिए आप, और कैसे ऑपरेट कर रहे हैं ये भी हम लोगों ने देखा कि हमारा फंक्शन कैसे ऑपरेट कर रहा है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आप जान रहे कि ये दोनों क्या आ रहे हैं, रियल नंबर। रियल नंबर को ऐड करोगे तो बच्चों क्या आएगा, हमारा एक रियल नंबर आएगा, और इनका अगर प्रोडक्ट करोगे, दो रियल नंबर को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो भी एक रियल नंबर होगा, उसको भी अगर आप ऐड करोगे तो भी रहेगा क्या, रियल नंबर। यानी कि पूरा एडिशन किया, मल्टीप्लाई किया, फिर ऐड किया, तो क्या आ रहा है, होगा तो एक रियल नंबर। तो ये किसमें बिलोंग कर रहा है, सेट आर में, हमारा सेट क्या है, आर है, यानी कि सेट ऑफ रियल नंबर, और इसमें ये क्या हो रहा है, हमारा इनको जो दो नंबर ले रहे हैं उनको ऑपरेट कर रहे हैं, वो किसमें आ रहे हैं, सेट ऑफ रियल नंबर्स में। तो क्लोजर प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई हो गई, तो लिख सकते हैं कि आर इज क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू स्टार। अब दूसरी चीज क्या चेक करनी है, एसोसिएटिविटी, ये एसोसिएटिव है कि नहीं, एसोसिएटिव, एसोसिएटिव चेक करने के लिए आप कोई भी तीन रियल नंबर लेंगे, लेट ए बी सी बिलोंगिंग टू रियल नंबर। तो सबसे पहले आप क्या करिए, ए को बी के साथ ऑपरेट करिए, फिर उसको सी के साथ ऑपरेट करिएगा, तो आप देखेंगे इसको ऑपरेट कर रहे हैं आप, तो ये है क्या, ए प्लस बी करेंगे पहले, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट यानी कि ए बी, फिर इसको भी कर दीजिए ऐड, आप किसके साथ कर रहे हैं, सी के साथ, इसको एक एक नंबर मानिए एज अ वन होल। तो यानी कि क्या करते हैं, सबसे पहले वो पूरा होल नंबर ए प्लस बी प्लस ए बी, फिर दूसरा नंबर जो सी है उसके साथ ऐड, फिर प्रोडक्ट कर देते हैं इन दोनों का, तो यानी कि ए प्लस बी प्लस ए बी इंटू सी, तो यानी कि आएगा क्या, ए प्लस बी प्लस सी, ये ए बी मल्टीप्लाई करेंगे तो ए सी बी सी प्लस ए बी सी, ये आ रहा है। अब एक काम करते हैं, सबसे पहले बी और सी को ऑपरेट करते हैं हम लोग, इसको ऑपरेट करने के बाद जो आएगा रिजल्ट उसको फिर ए के साथ करेंगे, ठीक है, तो ए स्टार, बी और सी को ऑपरेट कर रहे हैं, मतलब बी को सी में ऐड करिए, बी सी का प्रोडक्ट करिए, फिर उसको भी ऐड कर दीजिए। अब इसको एक नंबर मानिए, इसको एक दूसरा नंबर मानिए, तो ये पहला एक नंबर, फिर ऐड दूसरे नंबर से बी प्लस सी प्लस बी सी, फिर क्या करिए, इन दोनों का प्रोडक्ट ए बी प्लस सी प्लस बी सी, तो यानी कि ये ए प्लस बी प्लस सी ए बी ए सी बी सी ए बी सी। तो आप देख रहे हैं कि ये और ये रिजल्ट तो सेम ही आया, यानी कि आपने पहले ए बी को ऑपरेट किया फिर सी से किया ऑपरेट, या बी और सी को पहले ऑपरेट किया फिर ए से किया, तो रिजल्ट में चेंज नहीं आया, तो यानी कि एसोसिएटिविटी भी हमारी क्या हो रही है, होल्ड। तो हम लिख सकते हैं कि स्टार या जो हमारा ऑपरेशन है इज एसोसिएटिव इन, एसोसिएटिव है किसमें, सेट ऑफ रियल नंबर्स में। हम लोगों की तीसरी क्या, आइडेंटिटी को देखना, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। पहले ये निकालते हैं कि आइडेंटिटी है क्या, आइडेंटिटी निकालने के बाद देखेंगे क्या वो हमारे सेट ऑफ रियल नंबर में आ रही है या नहीं। तो आइडेंटिटी निकालने का तरीका क्या है, उसको आप मान लीजिए कि वो है, तो लेट स्मॉल ई बी दी आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ आर। मान लेते हैं कि सेट ऑफ रियल नंबर में आइडेंटिटी एलिमेंट पहले से एग्जिस्ट कर रही है, उसको ई मान लिया, तो निकालने का क्या तरीका है, देन
हमने क्या बताया कि आइडेंटिटी की एक सबसे यूनिक बात क्या रहती है, आप उसके साथ कोई भी एलिमेंट को ऑपरेट करिए वही एलिमेंट मिल जाता है फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू रियल नंबर। तो आप देखें कैसे ऑपरेट करते हैं, ए को ऐड करिए ई में, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट ए ई, फिर उसको भी कर दीजिए ऐड ए फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू रियल नंबर। अब ए और इधर भी है कैंसिल हो जाएगा, तो e प्लस ए ई इक्वल टू जीरो आएगा फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू रियल नंबर। फिर e को कॉमन ले लेते हैं तो आया क्या, वन प्लस ए इक्वल टू जीरो फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू रियल नंबर। अब ये हमारा जीरो राइट हैंड साइड जीरो कब होगी, जब या तो आइडेंटिटी जीरो हो जाए, जब a की वैल्यू माइनस वन हो। मगर a की वैल्यू माइनस वन तो एक पर्टिकुलर केस हो जाएगा, हमें e की वैल्यू निकालनी है। ये तो हमारा गिवन है कि कोई भी हमने नंबर लिया उसको ऑपरेट कर रहा है e के साथ, तो हमारा ये राइट हैंड साइड कब जीरो होगी, लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आएगी जब हमारी आइडेंटिटी क्या हो जाए, जीरो। तो e की वैल्यू जब जीरो होगी तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो गया, जीरो जीरो। और ये पूरे रियल नंबर, यानी कि कोई भी आप रियल नंबर लाइए उसको आप e के साथ, यानी कि जब जीरो के साथ ऑपरेट करेंगे तो वही नंबर मिल जाएगा। जैसे कि अगर आप 2 हमारा एक रियल नंबर है, अब 2 को आइडेंटिटी एलिमेंट हमारी क्या है बच्चों, 0, इसके साथ ऑपरेट कैसे करें, 2 में 0 ऐड करिए, 2 और 0 को मल्टीप्लाई करिए फिर ऐड करिए, तो आ क्या रहा है, आ तो 2 ही रहा है ना, तो यानी कि आइडेंटिटी हमारी क्या है, 0। और ये हमने देखा भी इस एग्जांपल से कि अगर आप 0 के साथ कोई भी रियल नंबर को ऑपरेट कर रहे हो गिवन ऑपरेशन के साथ तो हमें वही एलिमेंट मिल रहा है। तो यानी कि आइडेंटिटी पता चल गई वो क्या है, 0, और ये बिलोंग करती है हमारी किसमें, रियल नंबर में। तो आप कह सकते हो कि आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट कर रही है, यानी कि देयरफॉर e इक्वल टू जीरो बिलोंगिंग टू r इज द आइडेंटिटी आइडेंटिटी। तो इससे एक चीज क्या पता चली कि हमारा जो सेट ऑफ रियल नंबर है स्टार गिवन ऑपरेशन के साथ क्या है बच्चों, ये हमारा मोनोइड है, क्योंकि हम लोगों की क्लोजर प्रॉपर्टी भी है, एसोसिएटिव भी है, आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट कर रही है। तो ये हमने बताया कि हमारा एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर मोनोइड भी है, तो यानी कि अगर मोनोइड हो गया तो सेमी ग्रुप भी है और ग्रुपोइड भी है। ये तो रहा बच्चा दो एग्जांपल। अब मैंने सोचा कि एक टेबल के रूप में जितना भी मैंने जितनी क्लासेस कवर की हैं उसको एक बार समराइज कर दूं, जिससे फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। इसलिए मैं इसको रब करके वो टेबल आपको बताता हूं। सबसे पहले मैंने सोचा है कि एक टेबल फॉर्म बनाते हैं जिससे जितना हम लोगों ने पढ़ा है उसको रिकॉल कर लेंगे। तो मैंने सोचा था कि एक कॉलम बनाता हूं क्लोजर का, फिर एसोसिएटिव आइडेंटिटी, फिर ग्रुपोइड, सेमी ग्रुप और मोनोइड। ये अब इसको समझिएगा बच्चों, यहां पे एक और बनानी पड़ेगी मेरे को। देखिएगा इसको, अगर हमारा सेट ऑफ नेचुरल नंबर है और ऑपरेशन एडिशन है, तो बच्चों आप जानते हैं कि दो नेचुरल नंबर को आप ऐड करोगे तो एक नेचुरल नंबर आएगा, तो क्लोजर प्रॉपर्टी होती है। जब क्लोजर है तो ग्रुपोइड तो होगा ही होगा, क्योंकि ग्रुपोइड में सिर्फ और सिर्फ क्लोजर प्रॉपर्टी जरूरत होती है। आप जानते हैं कि एडिशन हमारा क्या होता है, एसोसिएटिव भी होता है, तो ये कॉलम भी टिक। अब क्लोजर और एसोसिएटिव है तो ये क्या होगा, सेमी ग्रुप भी होगा। अब बच्चों आप जानते हैं कि एडिशन जब होता है तो आइडेंटिटी हमारी क्या होती है, जीरो। मगर जीरो तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर में बिलोंग करता नहीं है, तो आइडेंटिटी हमारी क्या हो गई, फेल। यानी कि आइडेंटिटी जीरो होती है एडिशन की,
मगर सेट ऑफ नेचुरल नंबर के लिए एग्जिस्ट नहीं कर रही है, इसलिए यह हमारा मोनोइड नहीं होता। अगर आप ले ले सेट ऑफ इंटीजर्स एडिशन के साथ, तो दो इंटीजर्स को आप ऐड करोगे तो एक इंटीजर ही आएगा, तो क्लोजर है तो ग्रुपॉइड है। एडिशन एसोसिएटिव भी होता है, तो क्लोजर और एसोसिएटिव होने की वजह से ये हमारा सेट ऑफ इंटीजर एडिशन के साथ सेमी ग्रुप भी है। अब बच्चों एडिशन है तो आइडेंटिटी हमारी क्या है, जीरो, और जीरो बिलोंग करता है सेट ऑफ इंटीजर्स में, इसलिए आइडेंटिटी जीरो है और इंटीजर्स में बिलोंग कर रही है, इसलिए ये मोनोइड भी है, क्योंकि क्लोजर एसोसिएटिव आइडेंटिटी तीनों एग्जिस्ट कर रही है। अगर आप ले रहे हो सेट ऑफ रियल नंबर एडिशन के साथ, तो दो रियल नंबर को आप ऐड करोगे तो आएगा एक रियल नंबर, क्लोजर है तो ग्रुपॉइड है। एडिशन एसोसिएटिव होता है, तो क्लोजर एसोसिएटिव वजह से सेमी ग्रुप भी हो गया। अब हमारा आइडेंटिटी क्या होती है एडिशन की, जीरो, और जीरो बिलोंग करता है रियल नंबर में, इसलिए एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी की वजह से ये मोनोइड भी हो गया। अब इसी के साथ अगर आप देखो सेट ऑफ रैशनल नंबर एडिशन के साथ, तो दो रैशनल नंबर को ऐड करोगे आएगा एक रैशनल नंबर, क्लोजर है तो ग्रुपॉइड है। आप देखोगे कि एडिशन एसोसिएटिव होता है, क्लोजर एसोसिएटिव होने की वजह से सेमी ग्रुप भी है, और आइडेंटिटी हमारी क्या होती है एडिशन की, जीरो होती है और बिलोंग करती है रैशनल नंबर पे, तो इसलिए हमारा क्या हो गया, मोनोइड भी हो गया। अब आप देखिए सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ भी ऐसा ही है, यानी कि लिख लेते हैं इसको भी, कंजूसी क्यों करना। सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एडिशन के साथ दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करोगे आएगा एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही, तो क्लोजर प्रॉपर्टी है, एडिशन है तो एसोसिएटिव भी है, आइडेंटिटी जीरो, बिलोंग करती है कॉम्प्लेक्स नंबर में, इसलिए ये हमारा क्या हो गया, मोनोइड भी है क्लोजर की वजह से, ग्रुपॉइड भी है, क्लोजर एसोसिएटिव है तो सेमी ग्रुप भी है। अगर आपने ऑपरेशन एडिशन की जगह मल्टीप्लीकेशन कर दिया, तो दो नेचुरल नंबर को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा एक नेचुरल नंबर ही, तो क्लोजर है तो ग्रुपॉइड है। मल्टीप्लीकेशन एसोसिएटिव होता है, इसलिए क्लोजर और एसोसिएटिव मिलके बना देते हैं इसको सेमी ग्रुप भी। अब हमारा मल्टीप्लीकेशन है तो आइडेंटिटी हमारी वन होती है और वन बिलोंग करता है नेचुरल नंबर में, इसलिए ये हमारा क्या होगा, मोनोइड भी है। सिमिलरली अगर आप सेट ऑफ इंटीजर ले रहे हो मल्टीप्लीकेशन के साथ, दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करोगे आएगा एक इंटीजर, तो क्लोजर है तो ग्रुपॉइड है। मल्टीप्लीकेशन एसोसिएटिव होता है, इसलिए ये हमारा सेमी ग्रुप भी है। अब हमारा आइडेंटिटी वन है और वन बिलोंग करता है सेट ऑफ इंटीजर्स में, इसलिए एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी की वजह से ये टिक है, तो यहां पे भी मोनोइड हो गया। यहां पे भी टिक कर देता हूं बच्चों, अच्छा लगेगा। यहां पे सब में है, ठीक है। अब इसको और थोड़ा सा कर लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। ये अगर हमारा सेट ऑफ रियल नंबर है मल्टीप्लीकेशन के साथ, तो दो रियल नंबर को आप ऐड करोगे तो आएगा एक रियल नंबर, क्लोजर है तो ग्रुपवाइड है। एसोसिएटिव होता है मल्टीप्लीकेशन, इसलिए ये सेमी ग्रुप भी है। आइडेंटिटी वन है, बिलोंग करती है रियल नंबर में, इसलिए ये हमारा मोनोइड भी है। रैशनल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ भी यही है कि अगर आप रैशनल नंबर ले रहे हो और ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन है, दो रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा एक रैशनल नंबर, तो ये हुआ क्लोजर। मल्टीप्लीकेशन है, क्लोजर है तो यानी कि ग्रुपवाइड है। मल्टीप्लीकेशन हमारा एसोसिएटिव होता है, इसलिए ये सेमी ग्रुप भी हो गया। अब आप देखिए बच्चों, मल्टीप्लीकेशन है, आइडेंटिटी वन है और वन बिलोंग करता है रैशनल नंबर पे, तो ये हमारा मोनोइड भी हो गया। अब सिमिलरली अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर के भी लेंगे, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का भी लिख लेते हैं इसको। कॉम्प्लेक्स नंबर ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा एक कॉम्प्लेक्स नंबर, तो क्लोजर है तो ग्रुपवाइड है। मल्टीप्लीकेशन है तो ऑपरेशन एसोसिएटिव है, तो ये सेमी ग्रुप भी हो गया। अब बच्चों आइडेंटिटी क्या होगी, वन, और वन बिलोंग करती है हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो ये हमारा क्या हो गया, मोनोइड भी। मगर बच्चों अगर आपने सेट ऑफ नेचुरल नंबर लिया और ऑपरेशन क्या ले लिया,
माइनस यानी कि सब्ट्रैक्शन। तो आप दो नेचुरल नंबर को अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो जरूरी नहीं है कि वो नेचुरल नंबर आए। जैसे कि आप ले लो 2 और 3 हमारे क्या है, नेचुरल नंबर। 2 माइनस 3 करोगे आएगा -1 और -1 बिलोंग नहीं करता नेचुरल नंबर पे। तो यानी कि क्लोजर फेल होती है हमारी सेट ऑफ नेचुरल नंबर पे जब हमारा ऑपरेशन क्या हो, सब्ट्रैक्शन। तो जब ये क्लोजर नहीं है तो इस ग्रुपवाइड नहीं, तो बाकी कुछ चेक करने का है नहीं कि जब ये ग्रुपवाइड ही नहीं हुआ तो ये कुछ भी नहीं होगा। मगर अगर आप सेट ऑफ इंटीजर्स लेते हो सब्ट्रैक्शन के साथ, इसको एक काम करते हैं, इसको एक ड्रॉ कर देते हैं। ये अगर आपका सेट ऑफ इंटीजर्स है और ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन है, तो दो इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करोगे तो एक इंटीजर आएगा, तो ये हमारा क्लोजर है। क्लोजर है तो ग्रुपॉइड है। मगर आप अगर ध्यान से देखें कि हमारा सब्ट्रैक्शन एसोसिएटिव नहीं होता। जब ये हमारा एसोसिएटिव नहीं है तो ये हमारा सेमी ग्रुप भी नहीं होगा, सेमी ग्रुप नहीं तो मोनोइड भी कहीं से नहीं होगा। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे देखेंगे ग्रुपॉइड नहीं हुआ तो ये सेमी ग्रुप भी नहीं हुआ, मोनोइड भी नहीं हुआ। तो इस टेबल की वजह से हम लोगों ने जितना भी, हम लोगों ने जितने भी लेक्चर में ग्रुपॉइड, सेमी ग्रुप और मोनोइड के बारे में पढ़ा, वो सारा मैंने जितने भी एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर हो रहे थे उसको मैंने लिखा और बताया कि हमारा एडिशन के साथ कब होल्ड कर रहा है ग्रुपॉइड, सेमी ग्रुप, मोनोइड, कब नहीं, और मल्टीप्लीकेशन के साथ। अगर आपको इस लेक्चर में कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। ओके बच्चों, थैंक यू।